একের পর এক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম বললেন এবং দেশের একেবারে প্রথম সারির যারা নেতারা ছিলেন এই স্বাধীনতার যুদ্ধে যাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাদের কথা বললেন। সত্যি তো এই 75 বছরে কর্নেল দাস উত্তরাধিকার, আজকে আমরা যে উত্তরাধিকার হয়েছি সেটা আমাদের কাছে কতটা গর্বের। দেখুন, सभी देशवासी कृतज्ञ है पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब अम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है।